हेलो दोस्तों आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनाएंगे जिसमें ना तो हम मैदा यूज़ करेंगे और ना ही ब्रेड यूज़ करेंगे तो देखते हैं इसे हम लोग कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमने एक कप यहाँ पर दूध दही लिया हुआ है और जितना दही लिया है उससे जस्ट डबल यानी कि दो कप हमने यहाँ पर पानी ऐड किया हुआ है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए जैसे हम लोगों का छाछ होता है वैसे ही बनाना है अगर आपके पास में दही नहीं है तो आप डायरेक्ट छाछ में ये प्रोसेस कर सकते हैं ये देखिए बिल्कुल मैंने छाछ की तरह इसे बना लिया है पतला कर लिया है अभी गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार और थोड़ा सा यहाँ पर हम रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे और इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हम मिक्स करेंगे जैसे ही सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो रही हैं एक उबाल आ जा रही है एक उबाल आने के बाद में हम इसमें एक कप सूजी ऐड करेंगे दोस्तों और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रह जाएं ये देखिए मैंने यहाँ पर एक कप भर के सूजी यूज़ किया हुआ है और सूजी इसमें ऐड करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे गाढ़ा होने देंगे मतलब कि जैसे कि एक डो बन के तैयार हो जाता है ना वैसे ही डो बन के इसे हम लोग तैयार होने देंगे इसे पकने में दो से तीन मिनट दोस्तों लगते हैं तो देखिए जैसे जैसे आप इसे चलाते जाएंगे वैसे वैसे ये ठीक होता जाएगा देख रहे हैं दोस्तों ये गाढ़ा होता जा रहा है तो इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ये देखिए अच्छे से मिक्स हो रहा है कितना ठीक हो गया है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक होने देंगे मतलब सूजी हमारी फूलने में थोड़ा सा टाइम लेती है तो बस जब आपको लगे कि ये ठीक हो रहा है थोड़ा सा पानी बचा हुआ है थोड़ा सा एब्जॉर्ब और हो सकता है तो बस गैस का फ्लेम आप ऑफ़ कर दीजिएगा और इसे ढक के पंद्रह मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें यहाँ पर मैंने बॉयल किए हुए आलू लिए हुए थे उसमें थोड़ा सा प्याज मिर्च और यहाँ पर शिमला मिर्च धनिया और गाजर ऐड किया हुआ है फिर यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड किया हुआ है थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स ऐड किए हुए हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड किया हुआ है और थोड़े से हम यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे जैसे कि काली मिर्च का पाउडर यूज़ किया हुआ है दोस्तों अब इन सब चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे आप इसमें कोई भी सब्जियां ले सकते हैं मटर ले सकते हैं जो आपको वेजी पसंद हो वो ऐड कीजिए जो नहीं पसंद है उसे आप स्किप कर सकते हैं दोस्तों तो ये देखिए ये हमने कितना सॉफ्ट सा बिल्कुल ये हमने डो बना के तैयार किया हुआ है आलू का ये अंदर का हमारा मसाला अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर मैंने अमूल का चीज़ लिया ये प्रोसेस्ड चीज़ है दोस्तों क्यूब वाले चीज़ हैं ये हमारे इसमें आठ क्यूब आते हैं और ये हमारा टोटल एक सौ सत्ताईस का मिलता है और इससे हम लोग चीज़ निकालेंगे मैंने यहाँ पर चार चार या तीन चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और हर एक क्यूब का हम यहाँ पर देखो मैंने तीन क्यूब लिए है इस साइज के क्यूब निकलेंगे दोस्तों इससे अब हम इसको इसका जो रैपर हटाकर इसको हर एक चीज़ को फोर पार्ट में डिवाइड कर लेंगे मतलब कि चार पार्ट में हम इसे कट कर लेंगे दोस्तों ये चीज़ हमारे काट के तैयार कर लिए हैं अभी जो हमने आलू किया हुआ था एक बनाया हुआ था थिक सा तो यहाँ यहाँ पर मैंने तेल लिया हुआ है तेल को गद्दी में अच्छे से फैला लिया है हथेली में अभी यहाँ पर हमने आलू लिया है आलू की एक बॉल बनाएंगे और बीच में हल्का सा शेप देने के लिए हल्का सा यहाँ पे गड्ढा किया हुआ है और उसमें वहां पर हमने चीज़ का ये जो क्यूब चीज़ था इसके अंदर च्यूब चीज़ हमने इंसर्ट कर दिया और इसे बिल्कुल भी ऐसे कवर करेंगे कि चीज़ हमारा दिखे नहीं इस तरह से हम गोल गोल सा ये एक बॉल बना के तैयार कर लेंगे दोस्तों इस तरह से हम सारे बॉल यहाँ पर बना के तैयार करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको हथेली को तेल से ग्रीस करना है इसके बाद में थोड़ा सा आलू का बैटर लेना है और उसको एक बॉल का शेप देते हुए बीच में थोड़ा सा खड्डा करेंगे और उसमें हम क्या रखेंगे चीज़ रखेंगे और चीज़ को से कवर करेंगे ताकि चीज़ हमारा बिल्कुल भी दिखे नहीं दोस्तों तो ऐसे हमने ये बॉल बना के तैयार कर ली है दोस्तों हमने इस तरह से इतने आलू के बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं अभी हमने जो सूजी लिया हुआ था वो देखिए फूल गया है अच्छे से हमारा ये ठंडा भी हो गया है अभी हम इसे हाथों से अच्छे से उसे मसल के जैसे हम लोग आटे का एक डो बना के तैयार करते हैं ना रोटियों के लिए उस तरह से एक बढ़िया से हाथों से मसलते हुए बिल्कुल डो बन के तैयार कर, कर करेंगे और बहुत ही अच्छे से ये डो हमारा बन के तैयार भी हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल अच्छे से हमारा डो लग गया है अभी फिर से हम हथेली को तेल से ग्रीस कर रहे हैं और इसमें हमने फिर से एक बॉल का बॉल बनाते हुए बिल्कुल अच्छे से हमने यहाँ पर एक डो लिया हुआ और ये देखिए इसको बढ़िया से बॉल बनाए अभी फिंगर की जो हमारा थंब है थंब से प्रेस करते हुए एक कटोरी सा शेप देंगे दोस्तों ये देखिए मैंने थंब से प्रेस किया हुआ और कटोरी सा शेप दे के तैयार किया हुआ है और इसके अंदर जो आलू की बॉल्स थी उसको इंसर्ट करेंगे और हाथों से प्रेस करते हुए ये अच्छे से हम आलू को इसके अंदर कवर करेंगे ताकि सूजी से हमारा एक क्रिस्पी सा टेक्स्चर दोस्तों बन के तैयार होगा अगर इनकेस आपको लग रहा है कि नहीं बन हो रहा है तो ऊपर से इसमें आप सूजी लगा सकते हैं ये देखिए और इसे अच्छे से मिक्स करके इस तरह से बढ़िया से हम ये बॉल बना के तैयार कर लेंगे देखिए कहीं से भी हमारा आलू नहीं दिख रहा है तो इस तरह से हमने सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेनी है देखिए कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों ये दिखने में कहीं से भी आपको लग रहा है जरा से हल्का सा सूजी उसमें और ऐड कर दीजिए देखिए गोल सा हमारा बन के तैयार हो गया इस तरह से हमने ये सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं अभी हमको तेल को बढ़िया सा हीट होने देना है जब अच्छे से हमारा हीट हो जाएगा तो हमें मीडियम टू लो फ्लेम में अच्छे से हमें इसे फ्राई करना है और आप मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ और आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं दोस्तों ओवन में लेकिन मैंने इसे डीप फ्राई किया हुआ है आप 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए हल्का सा ग्रीस कर सकते हैं ग्रीस ऑयल लगाकर ग्रीस करके इसे आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं इस तरह से ये देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पर डीप फ्राई किया हुआ है और एक एक करके हम ऐसे सारे छान के अलग कर लेंगे दोस्तों दोस्तों हम मेरा ये क्रिस्पी सा स्नैक्स कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके